गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। आज है 12th of July और आज हम देखते हैं पहला न्यूज़ क्या करता है। तो देखिए, कल से जो पहला न्यूज़ ही हेडलाइन बनाया गया ना, वो यही बन गया है। ठीक है, कल जो हंगामा बवाल मचा इस न्यूज़ से, देखिए कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आस्क द ईडी चीफ टू क्विट बट अपहोल्ड द अमेंडमेंट। तो देखिए, बात इतनी सी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी, आप लोग तो नोन हो गए होगे ईडी से कि ईडी है क्या। एक मिनट में थोड़े इसको जूम कर लूं। हाँ, तो ये बात कर रहा है कि ईडी, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के डायरेक्टर को कहा है कि भाई साहब आप रिजाइन दे दीजिए। ठीक है, तो रिज़ाइन इसलिए बात मांगी मांगी जा रही है कि देखिए, बात इतनी है कि इनका टेन्योर ख़त्म होने वाला है नवंबर 2023 को। ठीक है, अब नवंबर 2023 को इनका टेन्योर ख़त्म होने वाला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, आप 4 महीने पहले अभी ही रिज़ाइन दे दीजिए, छोड़ दीजिए पद को। ठीक, क्यों? क्योंकि इनको तीसरा एक्सटेंशन मिला है। इनका कार्यकाल जो था ये आपका 2021 में ही ख़त्म होने वाला था, फिर उनको दूसरा एक्सटेंशन मिला 2022 में। ठीक, फिर उसके बाद उनको तीसरा एक्सटेंशन मिल रहा है 2023 में, जो इनका चलेगा नवंबर 2023 तक। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने इतने सारे एक्सटेंशन मिले हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इनवैलिड कर दिया, इलीगल कह दिया है, कह दिया कि नहीं भाई आपका टाइम हो गया है और ये इलीगल है। ठीक, अब देखिए ये इलीगल है तो ये किसने बोला है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं BR गवई, उन्होंने ये बात कही है। ठीक है, कि देखिए ये मिस यूज़ किया जा रहा है ईडी के पावर को, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि नहीं आप हो गया, आप रिज़ाइन कर दीजिए, आपका बहुत टाइम हो गया। अभी ओवरऑल बात क्या है, तो देखिए ओवरऑल बात क्या है ना, कि 2021 में गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने CBI और डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंस में अमेंडमेंट किया था। ठीक, और उन्होंने कहा था कि ईडी की जो टेन्योर होगी वो 2 साल तक होगी। ठीक, लेकिन इसको एक्सटेंशन मिल सकता है। ठीक, तो ये इसी अमेंडमेंट के थ्रू गवर्नमेंट क्या कर रही है, ईडी को, जो हमारे संजय मिश्रा साहब हैं, उनको क्या कर दी जा रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को, कि उनको वैलिडिटी दी जा रही है, बार बार एक्सटेंशन मिल जा रहा है। 2021 में मिला, 22 में मिला, 23 तक आ गए। ठीक, तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं भैया इनका हो गया, इनका टाइम, इनको हटा दो अब। ठीक, लेकिन हाँ, अल्टीमेटली जो अमेंडमेंट हुआ उसको उन्होंने वैलिड रखा है कि नहीं, वो अमेंडमेंट वैलिड है, उसको नहीं हटाया जा सकता है, बाकी इनको हटा दीजिए। ठीक है, तो इनको हटाने के बाद कहा, इनको अभी नहीं कहा, इनको इनको 24-25 दिन का टाइम दिया, नहीं इसी जुलाई महीने तक कहा है कि देखिए जुलाई का मंथ अभी शुरू ही हुआ है, तो इसी जुलाई के महीने तक आप अपने आप को रिटायर कर लीजिए। ठीक, देखिए कभी कभी सुप्रीम कोर्ट अब ये आगे बढ़ के काम करता है। ठीक है, तो चलिए, जो सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ के काम करता है, ये आप लोग बताइए, जुडिशियल रिव्यू में है कि जुडिशियल एक्टिविज्म में काम आ रहा है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जुडिशियल रिव्यू का पार्ट है कि जुडिशियल एक्टिविज्म का पार्ट है, जब सुप्रीम कोर्ट ऐसे आकर के क्या कह सकते हैं, पार्टिसिपेट करती है और आगे आके गवर्नमेंट को बोलती है। तो ठीक, तो ये रहा आज का न्यूज़, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ जो आपका है वो यहाँ से है। ठीक है, सेंटर व्यू ऑन द कश्मीर सिचुएशन नो बेयरिंग ऑन आर्टिकल 370 केस से सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए, जो 370 हटा है हमारा, ठीक, तो इसको सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है, और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने एक बात कही है कि देखिए इनकी सुनवाई होगी। ठीक, और ये देखिए ओवरऑल बात क्या है कि हमारा जो 370 हटा है वो 5 अगस्त 2019 को, यानी ऑलमोस्ट देख लीजिए 2 से 3 साल से ज़्यादा ही कह लीजिए हो गया। ठीक है, अब ये इतने साल हो गए, इतने साल से कुछ सुनवाई नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, तो इसको फिर पिटीशन डाला गया और कहा गया कि देखिए 2 साल से ज़्यादा हो गया, सुनवाई कीजिए। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को पूछा कि भैया आप अपना व्यू रखिए, तो सुप्रीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को ये बोला कि देखिए कि हमारे 370 हटाने से क्या हुआ है, हमारे 370 हटाने से क्या हुआ, घाटी में देखिए शांति आ गई है, कितना पीस है,
बहुत शांति हो गई, लोग अपना जीवन रेखा आगे बढ़ा रहे हैं। और अल्टीमेटली शांति आ गई, उतना दंगे नहीं हो रहे, उतनी हमारी कैजुअल्टी आर्मी की देखने को नहीं मिल रही। तो इसके बाद उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, कि देखिए ये दलील आपकी काम नहीं करेगी कि घाटी में शांति आ गई है। ठीक है, घाटी में शांति आ गई, इस बेस पे आपको क्या आपको रिलीफ नहीं दिया जाएगा कि यह घाटी में शांति आ गई तो 270 अच्छा किया आपने हटा करके। तो उन्होंने कहा कि देखिए घाटी में शांति आ गई तो इसके लिए आपको छूट नहीं दिया जाएगा, माफ़ नहीं कर दिया जाएगा। अल्टीमेटली हम लोग चेक करेंगे और देखेंगे कि आपने जो 370 हटाया क्या वो वैलिड था या नहीं था, क्या उसके हटाने का प्रोसेस में वैलिड था कि नहीं था। ठीक, तो उसको तो चेक कर किया जाएगा, अगर उसमें लूपहोल मिलती है तो आगे कार्रवाई की जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये देखिए ये ना एक फेट अलेमिटी हो गई है। ठीक है, फेट अलेमिटी की बात इसलिए कह रहा है कि देखिए फेट अलेमिटी होता क्या है कि जब आप कोई केस है या कोई लॉ बनाते हैं, ठीक, अब वो बन के तैयार हो जाता है, अब उसका हटना नामुमकिन हो जाता है कि नहीं हटा सकते हैं, वो लॉ पा लग गई है, तो उसको कहते हैं फेट इनकम्प्लीट। लेकिन ठीक, लेकिन अल्टीमेटली बात क्या है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में है। ठीक, तो कुछ भी हो सकता है, लॉ वापस भी आ सकती है, लॉ को चेंज कर दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड भी बताया जा सकता है। ठीक है, तो ये फेट इनकम्प्लीट बस एज अ टर्म है, सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट ही हमारा माई बाप है। ठीक है, तो ये रहा न्यूज़ ओवरऑल, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। तो नेक्स्ट न्यूज़ देखिए आपका यहीं से कवर होता है। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट न्यूज़ जो आपका कहता है, ये देखिए जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, 5th मीटिंग हुई है जीएसटी काउंसिल की आपका ट्यूसडे को, यानी पिछले दिन। और उसमें ये कहा गया है कि 28% टैक्स ऑनलाइन गेमिंग पे लगने वाली है। तो भैया आप लोग सब जो खेलते हो थोड़ा ध्यान दे दो कि सरकार वहाँ भी पहुँच चुकी है अपनी झोली लेकर के। तो देखिए उन्होंने बात कहा है सब जीएसटी काउंसिल ने, जीएसटी काउंसिल के 5th मीटिंग में बात इतनी सी क्लैरिफाई कर दी गई है कि जो भी अनकुक्ड और अनफ्राइड स्नैक है, प्लेटलेट्स है, ठीक, से ले करके स्पेशल यूटिलिटी व्हीकल यानी एसयूवी, ठीक, वहाँ तक क्या होगा, इम्पोर्ट एक एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इम्पोर्ट ड्रग्स ट्रीट लाइक कैंसर रेयर डिजीज ये और ईयर लॉन्ग ट्रीटमेंट गेमिंग और क्या कह रहा, हॉर्स रेसिंग, ठीक, इन सब पे जीएसटी काउंसिल क्या है लगने जा रहा है, ठीक, इम्पोज करने जा रहा है 28% जीएसटी काउंसिल, देख रहे हो, यानी आप अपने हिस्से का 28% आप गवर्नमेंट को जीएसटी काउंसिल में देना पड़ेगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। तो देखिए जो अगला न्यूज़ है ये कह रहा है देखिए कि अचानक क्या हुआ है कि यमुना का जो वाटर लेवल है ना वो अचानक से बढ़ गया है। अब बढ़ तो ऐसा नहीं गया, दिल्ली के यमुना का वाटर लेवल अचानक जो बढ़ा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है अचानक से। ठीक है, और वो बिल्कुल डेंजर जोन में आ गया है। ठीक, तो ये क्या किया जा रहा है कि वहाँ जो आसपास का इलाका है ना उस इलाके से बाकी लोगों को रिलोकेट किया जा रहा है। ठीक है, तो हमारे जो दिल्ली के मिनिस्टर हैं, रिवर मिनिस्टर कह सकते हैं, रिवर एंड वाटर लॉगिंग मिनिस्टर भारद्वाज, ठीक, भारद्वाज साहब ने कहा, सौरभ भारद्वाज साहब ने, कि देखिए फ्लड आने के चांसेस तो नहीं है, उन्होंने कहा फ्लड आने के चांसेस तो नहीं है, लेकिन हाँ यमुना के आसपास जो लोग रहते हैं ना, करीब करीब 7,000 लोग, उन लोगों को क्या रिलोकेट किया जा रहा है क्योंकि यमुना का जलस्तर बढ़ चुका है, तो जिसके कारण उनको उनके लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो उनको रिलोकेट करने की बात कर रहा है। अब देखिए अल्टीमेटली जब रिलोकेट करने की बात हो रही है इतने कुछ में तो पॉलिटिक्स भी होना है, तो पॉलिटिक्स ये हो रहा है कि देखिए आपके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ठीक है, वीके सक्सेना साहब, वो इंस्पेक्शन के लिए निकले हैं। ठीक, उन्होंने वो इंस्पेक्शन करने गए हैं यमुना का जलस्तर, तो वहाँ जाकर कह रहे हैं कि ये सरकार की फेल्योर है, सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, सरकार काम नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। ठीक है, और जगह जगह कैमरा लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, और कैमरा में ये बता बोल रहे हैं, तो इसीलिए आम आदमी पार्टी ने कहा है कि देखिए सरकार तो अगर काम कर रही है तो सरकार ही कर रही है, ठीक, दिल्ली गवर्नमेंट ही कर रही है, यही सब बोला है। अब देखिए जो बात है ना कि जब पानी का जलस्तर बढ़ा है ना तो देखिए मलबा जो है ना सारा ऊपर आ गया। ठीक है, तो देखिए उसमें बात इतनी सी हो जाएगी कि जो जितने सारे कूड़े कचड़े हैं ना वो सब पानी के फ्लो में आ जाएगा। अब जो उसमें पानी के फ्लो में जब आ जाएगा तो वहाँ आसपास रहने के जो लोग हैं, जो आसपास रहते हैं, ठीक, ऐसे झुग्गी झोपड़ियों में, ठीक,
उनको कोई ना कोई बीमारी होने वाला है और बहुत डेंजर बीमारी होगी, उनके लाइफ लाइफ को भी प्रॉब्लम हो सकता है, थ्रेटन हो सकती है, ठीक है, जिसके कारण उनको रिलोकेट किया जा रहा है। अभी आपस में पॉलिटिक्स हो रहा है, इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि देखिए यमुना के जो लोग हैं वहाँ के रहने वाले वो तो होमलेस हो गए, उनने अपना घर छोड़ दिया बाढ़ के कारण, अब वो होमलेस हो गए। अब वो देख रहे हैं, आस लगा कर देख रहे हैं कि क्या तो कोई गवर्नमेंट मदद करती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मदद करती है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट मदद करती है तो दिल्ली गवर्नमेंट मदद करती है। तो उनको रेसिडेंस दिया जाएगा और उनको रिलोकेट किया जा रहा है, कि क्योंकि 10 साल के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला कि यमुना का जलस्तर 10 साल से ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो ये 7,000 लोगों को रिलोकेट किया जा रहा है यमुना के पास से, कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। तो ये रहा ओवरऑल न्यूज़, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आपका क्या कहता है उसको देखते हैं, ठीक है। देखिए जो आपका नेक्स्ट न्यूज़ है ये बनता है, देखिए व्हाट इज़ द लीगल रॉ बिटवीन फार्मर एंड पेप्सिको, ठीक है। तो देखिए जो पेप्सिको होता है, पेप्सिको एक कंपनी है, उसने क्या किया था, अपील किया था दिल्ली हाई कोर्ट में कि इंडिया पेटेंट के लिए किस में यूनिक लेस पोटैटो का, ठीक, यूनिक पोटैटो का पेटेंट के लिए अप्लाई किया था, जिसको दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है नहीं भैया आपको नहीं मिलने वाला है पेटेंट, आप यहाँ से जाइए। तो बात ओवरऑल क्या है कि पेप्सिको जो है उसने रजिस्ट्रेशन किया था क्या पोटैटो, एक अलग किस्म की पोटैटो आती है जिसको कहते हैं उस वैरायटी को FL 2027, यानी FL 2027। तो उस पोटैटो से क्या होता है, वो बहुत ही कह सकते हैं कि वो बहुत ही क्रिप्स होता है, उसी से लेस बनाई जाती है, वो बहुत ही यूज़फुल होता है एज ए लेस के लिए, ठीक है, चिपिंग पोटैटो के लिए यूज़ होता है। और वो हाई ड्राई मैटर होती है, हाई सॉलिड कंटेंट होता है और स्टेबल शुगर होता है उसमें, इस कारण, ठीक है। तो उनको मना कर दिया गया, अब उनको मना किया गया तो ओवरऑल केस क्या है, तो देखिए जो बात है ना, पेप्सिको कंपनी जो है वो US की है, ठीक है, यहाँ वो कंपनी एज एस्टेब्लिश्ड है, ठीक। तो यहाँ जब वो कंपनी एज एस्टेब्लिश्ड आई थी ना, तो तब गवर्नमेंट ने कहा था यहाँ के लोगों ने कि हाँ ठीक है, आप इस पेप्सिको सॉरी FL 2027 के साथ आप चिप्स बनाइए और इंडिया में बेचिए, ठीक। तो पेप्सिको ने क्या किया, यहीं ग्रो करना शुरू कर दिया वो FL 2027, ठीक। अब यहाँ जब ग्रो करना शुरू कर दिया, उसी से बेचना शुरू कर दिया, तो उसके बाद क्या हुआ कि फार्मर लोगों ने अपील किया कि नहीं भाई ये ऐसे नहीं ले सकते हैं ये पेटेंट, इसमें तो इंडिया का ये है, ये तो इंडियन है, हमारे हमें नहीं मिल रहा बनाने को ये वो। तो इसमें जैसे ही इन्होंने कहा, तो उसके बाद खेला कहाँ हो गया, खेला आपका हो गया एक एक्ट है 2001 का, जिसको कहते हैं PPPVFR एक्ट, यानी प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट्स। तो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट्स के में 34 सेक्शन जो है, सेक्शन 34 जो है पार्ट का, उसमें ये कहता है कि नहीं, अगर फार्मर राइट्स और उस प्लांट वैरायटी के लिए अगर कोई ऐसा कानून बन आती है जिसके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। तो इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया कि ये पेप्सिको के हाथ से रिजेक्ट कर दिया गया कि नहीं, आप FL 2027 यानी FL 2027 को आप कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते एज ए पेटेंट, और उनको खारिज कर दिया गया है, ठीक। तो ये है ओवरऑल केसेस, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या कहता है हमारा उस पर। अब देखिए जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये आपको ये कहता है कि देखिए 415 मिलियन इंडियन जो है वो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं पिछले 15 साल में, ये UNDP का रिपोर्ट है, ठीक है। अब UNDP है क्या, तो UNDP देखिए यूनाइटेड नेशन असेंबली का एक पार्ट है, ठीक है, बॉडी है, वहाँ से ये रिपोर्ट आई है। अब अल्टीमेटली रिपोर्ट आई है तो रिपोर्ट में क्या कहा गया कि आज से 15 साल पहले यानी 2005 से 2006 तक इस इंडिया की जो पॉवर्टी थी वो कितनी थी, 55% थी, ठीक। लेकिन 2019 से 2021 में इंडिया की पॉवर्टी हो गई है 16%, ठीक है। तो अब ये कहा गया कि गरीबी घटी है इंडिया में, ठीक है, ये बात उस पर कर रहा है, ठीक है। अब इस पर ये सिर्फ इंडिया के बात नहीं कर रहा है, इंडिया के साथ और भी देश हैं, कम्बोडिया है, ठीक, जापान है, उस पर बात कर रहा है उन लोगों की, ठीक है। इसका ना, इस न्यूज़ का ना, ये पूरे रिपोर्ट का ना मैं पर्टिकुलर एक वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कराऊंगा आज ही, ठीक, शाम तक आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी पर्टिकुलर की, ठीक है।
तो इसको मैं डिटेल से अलग वीडियो में कर दूंगा, क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी परस्पेक्टिव से, तो इसको मैं अलग से कर दूंगा। ठीक है, आइए इस पे चलते हैं। तो देखिए, फोर मोर वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया गया है इसी महीने, ठीक है, जिसकी क्या है, इसकी डिमांड कहा जा रहा है कि बहुत ही लो डिमांड है, लेकिन जब लॉन्च की गई है, ठीक है, तो आपको कहाँ कहाँ लॉन्च किया देख लीजिए आप, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, वहाँ तक एक लॉन्च की गई है, मुंबई, गोवा मुंबई रूट पे लॉन्च की गई है, ठीक है, एक भोपाल की साइड आपको लॉन्च की गई, इंदौर टू भोपाल, और एक और जो है आपका वो आपका लॉन्च किया गया है पटना के साइड में, ठीक है। तो ये सब कहा जा रहा है कि ये सब है, तो चार वंदे भारत तो लॉन्च किया गया जिसकी डिमांड बहुत ही लो थी, कम है, ठीक। तो ये इस न्यूज़ की बात करें, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़। देखिए, तो चलते हैं अब आर्टिकल्स पे, ठीक, ये हमारे करंट अफेयर न्यूज़ था, वो कवर हो गया, डेली करंट अफेयर, हम आर्टिकल पे आते हैं। देखिए, तो आर्टिकल की बात करती है, ग्रीन वॉशिंग चेंजेस टू कंजर्वेशन लॉ मस्ट बी बैक बाय द साइंटिफिक एविडेंस। देखिए, जो ग्रीन वॉशिंग मतलब होता है ना, बेसिकली ग्रीन वॉशिंग मतलब होता है, सपोज कि जो गवर्नमेंट कोई लॉ लाती है, ठीक, जो गवर्नमेंट कोई लॉ लाती है वो क्या हुआ, इन्वायरमेंट के अगेंस्ट में है, ठीक है, इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही है, ठीक, ऐसा कोई लॉ गवर्नमेंट लाती है, और ठीक उसी टाइम पे गवर्नमेंट एक ऐसा कारनामा भी करती है जिससे ये पता चलता है कि नहीं, गवर्नमेंट इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक। यानी ये हुआ कि एक तो आपने जुर्म कर दिया, जुर्म करने के बाद आप अपने सेम टाइम पे अपने पाप धो रहे हो, ठीक। इसको ऐसे समझिएगा कि सपोज कि जो गवर्नमेंट ने कोई इन्वायरमेंट के लिए लॉ बनाई जो इन्वायरमेंट के अगेंस्ट में, ठीक, और उसके बाद ठीक गवर्नमेंट क्या करे, उसके बाद दो चार पेड़ लगा करके अपने पाप धोने के काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको कहते हैं ग्रीन वॉशिंग, ठीक है। अब ग्रीन वॉशिंग में बात कैसे करी जा रही, तो ये ऑथर साहब जो हमारे हैं इस आर्टिकल के, ये कहते हैं कि देखिए, जो ओवरऑल जो इस बार जो अमेंडमेंट होकर के जो बिल आ रहा है, फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2023, जो आपका 1980 का जो लॉ है उसको अमेंड करता है, ठीक, जिसके लिए आपको क्या ज्वाइंट सिटिंग कमेटी बनाई जाएगी, लगभग लगभग ऐसा तय है कि ज्वाइंट सिटिंग कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो अब देखते हैं ये लॉ कहता क्या था। देखिए, आप जो लॉ देखे होंगे तो उसमें आप लोग को पिछले जब मैंने आपको न्यूज़पेपर कराई थी, तो आपको ये फॉरेस्ट अमेंडमेंट 2023 की लॉ के बारे में जब मैंने कराया था, तो उसमें ये कहा गया था कि गवर्नमेंट क्या करती कर सकेगी, उनको पावर मिल जाएगा कि बाकी फॉरेस्ट में भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बना सकती है, ठीक है, बॉर्डर एरिया में भी, ठीक है। तो ये देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब बना सकते हैं तो अल्टीमेटली तो ये तो इन्वायरमेंट के अगेंस्ट है, ठीक, लेकिन गवर्नमेंट क्या कह रही है कि नहीं, ये प्रो इन्वायरमेंट लॉ है, ठीक। अब ये प्रो इन्वायरमेंट लॉ कैसे है ये गवर्नमेंट ही बता सकती है, ऐसा ऑथर साहब कहते हैं, ठीक है, ऐसा ऑथर साहब ने कहा है कि ये वही बता सकते हैं क्या है, कि एक तो आप जो लॉ लाए हो वो आपको इन्वायरमेंट के अगेंस्ट में है, ठीक, और उसी सेम टाइम पे कहते हैं कि नहीं, कि ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, तो इन्होंने उस बात को कहा। और एक लैंडमार्क जजमेंट जो आपको मैंने बताया था पिछले बार की याद कर लीजिए, 1996 में जो जजमेंट आया था गवर्धन वर्सेस इंडियन गवर्नमेंट, ठीक, तो उसके लॉ की बात कर रहा है, तो ये लैंडमार्क जजमेंट की यहाँ पर ऑथर साहब बात कर रहे हैं कि लैंडमार्क जजमेंट में जो बात नहीं कही गई थी कि आप फॉरेस्ट हो या नॉन फॉरेस्ट हो, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी कि फॉरेस्ट या नॉन फॉरेस्ट हो उस जगह को कभी भी गवर्नमेंट नहीं एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्री नहीं डेवलप कर सकती है, ठीक है, लेकिन हम सबको आपको पता होगा कि गवर्नमेंट इंडस्ट्री सेटअप के लिए ज़्यादा सोचती है, ठीक, अदरवाइज इन्वायरमेंट को लेकर के, तो गवर्नमेंट इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा सोच रही है और कह रही है कि नहीं, ये प्रो इन्वायरमेंट लॉ है, तो ये तो गलत है भाई, ठीक। तो ये रहा ओवरऑल ये आर्टिकल, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहते हैं। तो देखिए, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका इथिक्स में भी हो सकता है, ठीक, और आपका सोशल इशू में तो होता ही है, ठीक है, और ये आपका जीएस पेपर टू में भी आ सकता है। तो देखिए, कह रहा है सिटीजन एक्शन फॉर क्लीन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो देखिए, ऑथर साहब जो हमारे बात कर रहे हैं कि जितने भी यहाँ इलेक्शन होते हैं, ठीक है, इलेक्शन में देखिएगा जितने भी नेताओं हैं उन पर क्रिमिनल केसेस के चार्जेस होते हैं, ठीक है, तो उन्होंने कह रहा है कि अगर इंडिया को डेवलप करना ही है, मतलब ओवरऑल हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करनी है, तो उनको पहले तो क्लीन पॉलिटिशियन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और जिससे क्या होगा कि पॉलिटिक्स क्लीन होगा, ठीक है। तो ऑथर साहब बात कर रहे हैं डेटा के साथ बात कर रहे हैं कि देखिए, अभी के टाइम की बात की जाए तो अभी की टाइम पर 4001 तक सिटिंग एमएलए हैं टोटल, ठीक, सारे स्टेट को मिला दिया जाए तो टोटल 4001 सिटिंग एमएलए हैं, जिसमें से क्या है 1777 1777 में क्या है, 1777 के पास क्या क्रिमिनल केसेस हैं, ठीक है, 4001 हमारा सिटिंग एमएलए हैं जिसमें से
1777 के पास आपका क्रिमिनल केसेस चल रहा है, यानी 44% एमएलए के पास आपका क्रिमिनल केस चल रहा है विधायक के पास। और अगर सांसद की बात कर ली जाए एमपी की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, तो अभी जितने पार्लियामेंट मेंबर हैं ठीक है, उसमें से 43% पास क्रिमिनल केसेस है ठीक है। और यही बात अब ये 2022 की 23 की बात कर रहा है, लेकिन आज से पहले 2004 की बात की जाए तो ये एमपी पे जितने केस थे वो 22% एमपी पे केस थे ठीक, यानी अभी लगभग लगभग दुगना हो गया। 43% केस है ना, तो लगभग लगभग दुगना हो गया है पूरा ठीक है। तो ये बात कर, आप देखिए जितने भी कह सकते हैं एमपी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उन सब की बात, अब देखिए जितने भी एमएलए थे ना, तो वो बात क्या कर रहे हैं कि वो बात कह रहे हैं कि देखिए कि उन पर ना जरूरी नहीं है कि जो क्रिमिनल चार्जेस होते हैं वो सही हो। उसके पास कभी कभी ना होता क्या है ना, पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है ठीक है, कि कभी कोई अपोजिशन में रहा तो अपोजिशन के पास सिटिंग जिसकी गवर्नमेंट है उसने अगर उस पर कोई क्रिमिनल केस इनिशिएट कर दिया ठीक है, तो ये होता चलता है ठीक है पॉलिटिक्स में ठीक। तो ऐसे इसको सही भी नहीं मानते हैं, लेकिन 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 देखिए कि जरूरी ऐसा नहीं है। अगर कोई आदमी तो लंबे समय तक फंसा हुआ है, कोई पॉलिटिशियन लंबे समय तक उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है, देन इसका पक्का चांस बनता है कि भाई साहब उन्होंने कुछ गड़बड़ी तो की है ठीक। तो ये रहा आपका ओवरऑल, इसी के ओवरऑल आर्टिकल पे ये बात कर रहे हैं हमारे त्रिलोचन साहब ने, और त्रिलोचन शास्त्री साहब जो है वो बात ही इसी पर करेंगे, पॉलिटिशियन को कैसे सुधारना चाहिए ओवरऑल इंडिया के डेवलपमेंट के लिए ठीक है। ये अलग अलग पार्टी का उन्होंने नाम बताया है, बीजू पटनायक को, जेडीयू को बताया है ठीक, और AIDMK, INC, इन सब के MP पे जो क्रिमिनल चार्जेस हैं उन पे कहा है ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इनमें से लेकर के 26 ऐसे मिनिस्टर हैं जिन पर 26 ऐसे मिनिस्टर जिस पर जिन पर क्या है 56 क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं ठीक है, इन्होंने बात कही है ठीक है। तो ये रहा ओवरऑल आर्टिकल और बाकी आज का डेली करंट अफेयर न्यूज़ ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद।